फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम सिक्स क्लास का मैथ करेंगे और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, और ये एमएल अग्रवाल की बुक है, इसकी एक्सरसाइज 13.1 करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्री क्या होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको, और सिमेट्री भी बोलते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। ये इजी टॉपिक है, बहुत ही सिमेट्री। तो एक बार इसको आप और समझ ले अगर किसी को नहीं पता है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपको फिगर है गिवन, अगर उसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को अगर मैं बीच में से ऐसे फोल्ड कर दूं, फोल्ड कर दिया मैंने, तो इसके ये जो दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाने चाहिए। ये देखो, ये हो गई बिल्कुल, ना कहीं से छोटा है ना ही कोई पार्ट बड़ा है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। इस ये जो बीच में लाइन आ गई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, क्योंकि इसने दो इक्वल पार्ट कर दिए हैं इस रेक्टेंगल के। अब बहुत सारी फिगर होती है, किसी में तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में एक से ज्यादा होती है, और किसी में होती ही नहीं है। तो ये जो रेक्टेंगल है, इसमें एक तो हो गई ये, और एक इसको अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, देखो ऐसे, तो भी क्या होगा, ये एग्जैक्टली दोनों की दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, मतलब कहीं से भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये थोड़ा सा हुआ नहीं ठीक से, ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप हो गई है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देती छोटी बड़ी। तो इसकी एक ये हो गई, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, एक ये दो तो हो गई। क्या देखते और हो सकती हैं? अब देखो, और नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम डायगनली मिलाएंगे, ऐसे देखो ऐसे, तो ये डायगनल है, अगर इसको हम डायगनली मिलाएंगे तो ये तो देखो इधर से बाहर निकल गई और इधर से ये, मतलब ओवरलैप नहीं हुई। बट अगर इसको वैसे अगर हम कट करके डायगनली देखो मिला नहीं, ये डायगनली ऐसे मिलेगा, ये डायगनल, ये अब ये है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ये जो डायगोनल है ना, ये एग्जैक्ट आने चाहिए। तो इसको आप अगर कट करके देखेंगे ना, वैसे तो ये सेम मिलेंगे पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो, बट ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे के ऐसे ही ओवरलैप होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तब वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, वैसे ये इक्वल है। अगर इसको आप यहाँ से कट करके और इसके ऊपर ऐसे घुमा के रखेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट है, बट हमें कट करके नहीं रखना है, हमें ऐसे ही ओवरलैप करके देखना है। अगर वो एग्जैक्ट एक दूसरे को ढक लेती हैं तो इट मीन्स कि वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें रेक्टेंगल में ओनली टू ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ऐसे बनी है और एक ऐसे बनी है। ठीक है, अब इसी तरह से स्क्वेयर होती है, स्क्वेयर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। देखो, स्क्वेयर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो इसकी देखो अगर ऐसे करेंगे तो ओवरलैप हो गया, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसको अगर ऐसे भी करेंगे तो भी इक्वल हो गया, पार्ट एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर दिया है, दो हो गई। फिर अगर इसके डायगोनल, क्योंकि डायगोनल इसके इक्वल हो गए क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एक ऐसे हो गया। ठीक है, ये वाला डायगोनल, और फिर अगर ये वाला डायगोनल करेंगे ऐसे तो एक डायगोनल ये हो जाता है। ठीक है, मतलब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसकी, फोर लाइन ऑफ। रेगुलर फिगर होती है ना, जितनी उनमें साइड होती है, जैसे ये रेगुलर फिगर है स्क्वायर, इसमें फोर साइड है तो इसकी फोर ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो स्क्वायर की फोर होंगी, रेक्टेंगल की टू होंगी, और ये है सर्कल। सर्कल को देखो, अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक हो गई, ऐसे फोल्ड कैसे भी फोल्ड कर लो, ये तो मतलब, अब देखो अगर मैं आपको इसको लाइन के थ्रू समझ और आगे देखो ये, ठीक है, अब एक और बना दूं ऐसे ही तो ये दो हो जाएंगी, अब अगर मैं इसमें एक और बना दूं तो तीन हो गई, अब मैं इसमें अगर एक और बना दूं, ये ड्रॉ हुई नहीं तो एक और हो जाएगी। सर्कल से हम कितनी लाइन बना सकते, कितनी लाइन पास हो सकती है सर्कल से, सर्कल से तो इनफाइनाइट लाइन से मतलब एंडलेसली लाइन ड्रॉ मतलब बन सकती है, होनी चाहिए सारी,
इस मतलब सेंटर से ही पास, तो इससे बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है सर्कल से। अब जहां भी आप ऐसे लाइन करेंगे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप करेक्ट करना। ये देखो, मतलब जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है इससे, बट होनी चाहिए सारी सेंटर से ही पास। ओके, ये देखो, कितनी मर्जी भी इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये देखो, ठीक है, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी इसके पार्ट बनाएंगे वो सारे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी सर्कल की, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा शेप का समझा दिया है। और फिर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलस। देखो, जो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर ऑल साइड इक्वल है तो इसका एक तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बीच में से यहां से करेंगे तो एक हो जाएगा बीचों बीच, यहां से यहां तक एक हो गया। फिर अगर मैं इसी को ऐसे और ऐसे कर दूं तो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, बाकी के ट्रायंगल्स में नहीं होता। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री थ्री होंगी, ठीक है। बट जो आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, मान लो ये आइसोसेलस है तो इसकी ये और ये साइड इक्वल होंगी, तो इसमें एक ही नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होगा। और जो स्केलन ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती है, ये साइड अलग होती है, ये अलग होती है, ये अलग होती है, तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ द लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर काउंट द नंबर। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और बतानी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब ये फिगर है, इसमें देखो ये ड्रॉ कर रखी है पहले ही, तो इसमें तो यहाँ से एक करेंगे तो एक ही बन सकती है। अगर इसको हम इसके ऊपर ऐसे लेके आएंगे तो इसको बिल्कुल ओवरलैप कर देगी, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? वन। अब इसमें तो कोई हो नहीं सकती अगर हम ऐसे करेंगे, या फिर कैसे, और तो कहीं कहीं हो नहीं सकती। अगर ऐसे करेंगे तो ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये वाला कम है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें इसको देखो ऐसे करेंगे तो वन हो गई, बट इसको ऐसे करेंगे तो ये इसको ओवरलैप नहीं होगी। ये यहाँ से कर्व है और ये यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इसमें वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब है ये सर्कल, अगर ये एक सर्कल होता तो बहुत सारी हो जाती, बट ये तो दो सर्कल है ना, तो इसमें तो एक ही होगी, छोटा एक बड़ा है। ऐसे करेंगे तो इसकी मतलब इसके ऊपर ओवरलैप, ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप हो जाएगा बिल्कुल, और ये वाला इस पे हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो फिर कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, तो इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें देखो ये बीच में ऐसे बना दिया, फुटबॉल गेंद है ये, अगर ये खाली सर्कल होता तो बहुत सारी हो जाती, बट इसका देखो इसमें ऐसे करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे तो पार्ट तो इक्वल हो रहे हैं, बट जब इसको आप ऐसे फोल्ड करके आएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। ये इसकी जो शेप है अंदर बनाई हुई है, इसको ओवरलैप नहीं कर रही, इसलिए ये इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। अब है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में भी देखो इसकी भी ये इधर कम है, ऊपर ये लाइन एक है, इसकी भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अब ये सेवंथ वाला है, इसमें ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ऐसे करेंगे तो नहीं होगी, ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ से भी इसकी मतलब चौड़ाई ज्यादा है, तो इसमें वन होगी। इसमें भी एक ही हो सकती है, ऐसे यहाँ से बीचों बीच अगर करेंगे तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। जो ये नाइन वाला पार्ट है ना, इसको आप इसमें समझो, इसमें थोड़ा सा छोटा है, ये तीन पेटल्स हैं, इस पेटल को अगर मैं ऐसे बीच में से करूं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और इस पेटल को मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री करूं तो ये वाली पेटल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और मैं इस पेटल को यहाँ से करूं लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये वाली इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो इसमें कितनी होंगी? थ्री होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम क्वेश्चन टू करेंगे, ड्रॉ द लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ। इनमें भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और बतानी कितनी होगी। देखो टेलीफोन है तो इसका इतना ही पार्ट इस साइड है, इतना इस साइड है, इतना इस साइड है, इतना इस साइड, तो इसके वजह से बीच में से इन्होंने कट कर कहा, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये चेयर है, कट कर नहीं रखा, ये तो बच्चे ने कर रखा, ये किसी बच्चे के है बुक ऐसे। ये चेयर है, चेयर में भी अगर हम बीचों बीच से करेंगे
तो इक्वल पार्ट इधर होगा, इक्वल पार्ट इधर होगा, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब ये इस तरह की फिगर है जैसे स्क्वायर होती है, तो इसमें कितना होगा देखो, एक तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, जैसे हमने स्क्वायर वाली फिगर को किया था, ठीक है। ये उसी टाइप का है, क्योंकि ये देखो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये एक तरह से जैसे स्क्वायर है, एक ऐसे और फिर एक ऐसे डायगोनली और एक ऐसे, क्योंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट है, तो इसमें हो जाएंगी फोर, ठीक है। फिर अब इस वाले में इस बच्चे ने गलत कर रखा, इसमें नन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये एक पेटल है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है, ऐसे एक पार्ट, फिर एक पार्ट ऐसे करेंगे दो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर एक पार्ट ऐसे करेंगे फिर तीन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर एक पार्ट हम ऐसे करेंगे तो चार हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब पांच है, एक इसकी करी एक, एक इसकी करी दो, एक इसकी करी तीन, एक इसकी करी चार, एक इसकी करी पांच, तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री होंगे फाइव, बच्चे ने गलत लिख रखा, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें फाइव। अब इसमें देखो ये बी है, इसमें तो बीचो बीच हो सकती है, कैसे, इधर भी एक ये बच जाएगा, इधर भी एक बच जाएगा, इधर भी एक पंख, इधर भी, मतलब इक्वल इक्वल सेम टू सेम बिल्कुल बच जाएंगे दोनों साइड, तो इसमें होगी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें भी वन ही होगी, क्योंकि ये भी देखो इंसान होता उस तरह का ये जोकर, तो इसमें क्या है, बीचों बीच अगर हम करेंगे तो आधा नाक इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, इक्वली एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब इसमें हमें ड्रॉ करनी है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रोड साइन एंड काउंट देयर नंबर। अब हमें इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच के काउंट करना है, तो ये देखो ट्रायंगल की शेप है, रोड का साइन है ये, तो इसमें इसमें बीच में से करेंगे, इसमें वन ही हो सकती है और इसमें भी वन ही होगी ऐसे, क्योंकि ये भी तो अगर वैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता ना तो ऐसे और भी हो जाता, बट इसके ये वाले भी हमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाने ये जो है, और इसमें भी ये एक दूसरे के ये वाले ओवरलैप होने चाहिए, तो इसमें भी वन होगी और इसमें भी वन ही होगी, क्योंकि ये और ये एक इधर ऐसा इधर ऐसा इधर, तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिल जाने चाहिए, और इसमें भी वन ही होगा टी के बीचों बीच, बिल्कुल टी के बीचों बीच, ठीक है, तो इसमें भी वन होगी। चौथे में है ड्रॉ द लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी द फॉलोइंग नंबर्स एंड काउंट देयर नंबर। अब इसमें भी देखो ऐसे तो करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, इसमें भी वन होगा, और इसमें कोई भी नहीं होगा, ऐसे भी करेंगे तो इधर अलग शेप है, इधर अलग शेप है। अब इस सिक्स में भी कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि इधर अलग शेप है, इधर अलग शेप है। एट में ऐसे हो सकती है, इसमें देखो ये बच्चे ने ना गलत लिख रखा, इसमें टू होंगी, ऐसे भी तो एक इक्वल होगी, क्योंकि ये सेम सेम है, तो इसमें आएगा टू, ठीक।